हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारी वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अपने रियलमी फ़ोन में जो स्क्रीन लॉक साउंड होता है, उस स्क्रीन लॉक साउंड ऑप्शन को हम कैसे इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। तो स्क्रीन लॉक साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो इस वीडियो को हम सिंपली शुरू कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारे पास रियलमी फ़ोन है, रियलमी फ़ोन की मोबाइल सेटिंग्स होती है, उस मोबाइल सेटिंग्स को हमें ओपन कर लेना है। तो सिंपली हम सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। कई सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको इस तरीके से कुछ ऑप्शन शो होते होंगे। तो कई आपको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो होता होगा, साउंड ऑप्शन। तो सिंपली हम साउंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। साउंड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, नीचे की तरफ स्क्रॉल कर देना है। पूरा स्क्रॉल करने के बाद आपको पूरा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको फाइव ऑप्शन शो होते होंगे। यहाँ पर आपको फाइव ऑप्शन में सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्क्रीन लॉक साउंड ऑप्शन शो होगा। फिर हमको क्या करना है, स्क्रीन लॉक साउंड ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर स्क्रीन लॉक साउंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जैसे कि हम अपने पावर बटन को क्लिक करते हैं तो इस हमारा इजली साउंड है वो आएगा। तो इस हम जैसे उस पर क्लिक करें तो एक साउंड आता है, सिंपली देखिए आ रहा है। तो इस आपको नहीं सुनाई दे रहा होगा, सिंपली हम जैसे आप अगर सेटिंग्स ओपन करोगे तो आपको जो स्क्रीन लॉक साउंड ऑप्शन है वो आपको इजली आएगा। तो इस तरीके से अपने स्क्रीन लॉक साउंड ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। और कैसे इसका हम डिसेबल कर देंगे, डिसेबल करने के बाद हमारा स्क्रीन लॉक साउंड है मतलब ऑफ हो जाए। जैसे हम पावर बटन क्लिक करेंगे तो इस कोई भी साउंड नहीं आएगा। तो इस तरीके से स्क्रीन लॉक साउंड ऑप्शन को इनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं रियलमी फ़ोन में। तो ऐसा यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू गाइस।